क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। आधा किलो हमने बोनलेस चिकन लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अंडा लिया है एक अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, लेमन जूस लिया है 1/2 टीस्पून, मैदा लिया है 2 टेबल स्पून, नमक लिया है हसबे जायका, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लेक्स लिया है 1 कप, इसे हमने ब्लेंडर में ग्राइंड कर लिया, और ब्रेड क्रम्स लिया है 1/2 कप। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएंगे, लेमन जूस डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, इन्हें मिक्स करेंगे। मैदा डालेंगे और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। और इसमें डाल देंगे और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे, जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से रच जाएं। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, 15 मिनट हो गए हैं। अब कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इस पे, चिकन पे। तो एक पीस उठाएंगे, इसे उठाया, अच्छी तरह से कोटिंग करें, इसे उठा कर प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। सारे भी हमने कोटिंग कर ली, अभी हम फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और गर्म ऑयल में इसे फ्राई करें। तो एक एक करके हम इसे डालते जाएंगे। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करें। तकरीबन 8 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, अब इन्हें पलटेंगे। ये देखें, लाइट सा कलर आ गया, थोड़ा सा कलर और देंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे हम, और बाकी के जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।